आजकल देश के दो बहुत बड़े नेता संगीत सोम जी और योगी आदित्यनाथ बड़े चर्चे में हैं। वो हमेशा से चर्चे में हैं अपने भड़काऊ भाषण के वजह से। अब उनका कहना है कि ताजमहल इस देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है और ताजमहल को हटा देना चाहिए, या शायद ये भी कहते हैं कि ताजमहल एक मंदिर है। पर सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप उनकी भाषण सुने, आइए सुनते हैं। ताजमहल से नहीं हो सकती, ताजमहल से नहीं हो सकती, ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं? हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्या है इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इतिहास बदल रहा है। कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार। जी हाँ, हमने संगीत सोम जी को ये कहते हुए सुना कि वो खुश है इस बात से कि ताजमहल को यूपी के टूरिज्म बुकलेट से हटा दी गई। संगीत सोम जी ये कहते हैं कि ताजमहल को मुसलमानों ने बनाया है और ताजमहल इस देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने और मुगलों ने इस देश को लूटा है। और संगीत सोम जी ये भी कहते हैं कि मुगलों के इतिहास को मिटा देंगे। तो संगीत सोम जी, मैं आपसे कह दूं कि आपके मिटाने से इतिहास मिटने वाली नहीं, क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं और आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आरएसएस की शाखा में बैठकर आपको इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, आपको सिर्फ आपके दिमाग में नफरत भरी जाती है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुगलों ने और मुसलमानों ने इस देश को लूटा है। हाँ, ये बात सच है कि मुगलों ने हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया, पर क्या वो आक्रमण धर्म के आधार पर था कि सत्ता और प्रजा के आधार पर था? अगर धर्म के आधार पर था तो मैं आपको बता दूं, और जितने बीजेपी और आरएसएस वाले ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप खड़े होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कुर्सी लेकर बैठ जाएं, कृपा करें एक कुर्सी ले और बैठ जाएं, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं शायद आपको हजम नहीं होगी और आपकी जमीन के आपके पैर के नीचे से आपकी जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि अगर मुगल को आप मुगलों की लड़ाई को, मुगलों की जंग को आप कहते हैं कि वो धर्म के आधार पर जंग थी, तो मैं आपको बता दूं 260 BCE में अशोका ने एक लड़ाई लड़ी थी। अशोका कौन था? एक हिंदू राजा। उसने एक लड़ाई लड़ी कलिंगा में। इतिहास में लिखा है ये बात, 260 BCE कलिंगा वाली जंग में कितने लोग मारे गए? 2 लाख लोग मारे गए। 2 लाख लोग जो मारे गए वो कौन थे? मुसलमान थे या हिंदू थे? वो हिंदू थे। तो आप कहेंगे कि अशोका एंटी हिंदू? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी लॉजिक लगाए तो अशोका एंटी हिंदू, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अशोका ने वो जंग, वो लड़ाई धर्म के आधार पर नहीं लड़ी थी। अशोका ने वो लड़ाई सत्ता और प्रजा के आधार पर लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। 1740 में मराठा हिंदू बंगाल आते हैं और 4 लाख हिंदुओं को मारकर मराठा वापस चले जाते हैं। सिर्फ 4 लाख हिंदुओं को मारते ही नहीं, वो हिंदुओं के मंदिरों को लूटते हैं और तोड़कर मराठा वापस चले जाते हैं। तब आप कहेंगे मराठा एंटी हिंदू, पर ऐसा नहीं है। मराठा 1740 में बंगाल आकर लूटे और चले गए, कि लड़ाई ये जंग उनकी धर्म के आधार पे नहीं, बल्कि ये जंग उनकी सत्ता और प्रजा के आधार पे था, सत्ता और प्रजा के लिए था। तब इस बात को समझें। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मराठा हिंदू 1791 में मराठा श्रीरंगपट्टनम आते हैं एक जंग लड़ने, और वो जंग को नहीं जीत पाते हैं, तो गुस्से में वो घर वापस लौट रहे होते हैं और रास्ते में श्रीरंगपट्टनम की एक मंदिर देखते हैं। वो तो गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर, क्योंकि वो जंग नहीं जीत पाए, उस मंदिर को लूट लेते हैं, और सिर्फ लूटते ही नहीं, उस मंदिर को तोड़कर मराठा वापस चले जाते हैं। अब आप कहेंगे मराठा एंटी हिंदू, मराठा हिंदू होकर भी मंदिरों को तोड़ दिए, पर ऐसा नहीं है। मराठा ने उस जंग को लड़ी सत्ता और प्रजा के लिए, धर्म के आधार पर नहीं लड़ी गई उस जंग को। और मैं आपको आगे एक बात बताता हूं, ये जितने आरएसएस वाले बीजेपी वाले हैं, कुछ दिन पहले चर्चा चल रहा था टीवी पे कि टीपू सुल्तान एंटी नेशनल, जो उस मंदिर को तोड़ा गया, उस मंदिर के जो हेड पंडित थे शंकराचार्य, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? एक मुसलमान राजा टीपू सुल्तान को लिखी कि मराठाओं ने हमारे मंदिर को तोड़ दिया है और लूट लिया है। टीपू सुल्तान तुरंत अपनी सेना भेजते हैं और उस मंदिर को वापस बनवाते हैं, और जितना धन लूटा गया था वापस उस मंदिर में रखवाते हैं। कहां से हिंदू मुसलमान की बात ला दी आपने?
सिर्फ इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान एक मुसलमान राजा जिसने आपने कहा एंटी हिंदू और एंटी नेशनल। मुसलमान राजा का कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? रंगा। रंगा कौन? हिंदू। मुसलमान राजा के ट्रेजरर खजांची जो टीपू सुल्तान के सारे धन और दौलत का ध्यान रखता था उसका नाम क्या था? उसका नाम कृष्णा राव। क्या नाम था? कृष्णा राव। कृष्णा राव कौन? एक हिंदू। तो कहां से हिंदू मुसलमान की बात आ गई? ये लड़ाई कभी हिंदू मुसलमान की थी ही नहीं। और आज जब भी महाराष्ट्र में बीजेपी को हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात आती है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और हिंदू मुसलमान को बांट देते हैं, हिंदुओं में जोश भर देते हैं, ये कहकर कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के खिलाफ आक्रमण किया था, मुसलमानों के खिलाफ डटकर खड़े हुए थे। पर क्या सच्चाई है ये? सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। वो जितनी भी जंग लड़ी गई थी उनके वक्त पे, वो जंग धर्म के आधार पे नहीं थी, वो सत्ता और प्रजा के लिए थी। अगर धर्म के आधार पे थी तो मैं आपको बता दूं, शिवाजी छत्रपति महाराज जिन्हें बीजेपी ने आज एक हिंदू आइकन बना रखा है, उनका कमांडर इन चीफ का नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान कौन, क्या बताने की जरूरत है मुझे? उनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था उसका नाम सिद्दी इब्राहिम। सिद्दी इब्राहिम कौन, क्या बताने की जरूरत है मुझे? आज आपने शिवाजी को हिंदू आइकन बना रखा और हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए उनको एक वोट बैंक पॉलिटिक्स बना लिया। उनके कमांडर इन चीफ मुसलमान, उनके बॉडीगार्ड मुसलमान, तो कहां से आ गई हिंदू मुसलमान की बात? आज आरएसएस वाले और बीजेपी वाले बड़े गर्व से कहते हैं राणा प्रताप ने क्या मुसलमानों को धूल चटाई थी हल्दीघाटी की लड़ाई में 1576 में जो हुई थी, बड़े गर्व से कहते। पर क्या हल्दीघाटी की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? क्या हल्दीघाटी की लड़ाई हिंदू मुसलमान की जंग थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हल्दीघाटी की लड़ाई में एक तरफ अकबर की सेना थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। अकबर कौन? मुसलमान। और अकबर का सेनापति कौन? मानसिंह। मानसिंह कौन? एक हिंदू। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन? मीर हाकिम। मीर हाकिम कौन? मुसलमान। तो मुसलमान राजा का हिंदू सेनापति, हिंदू राजा का मुसलमान सेनापति, तो कहां से बन गया ये हिंदू मुसलमान का जंग? क्यों आरएसएस वालों को ये आसान और सरल चीज समझ नहीं आती? क्यों वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं? और हां, सिर्फ इतना ही नहीं, क्या मुसलमान सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ लड़े? क्या मुगल सिर्फ हिंदू राजाओं के खिलाफ लड़े? 1486 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ जंग की। शेरशाह सूरी कौन? मुसलमान। तो मुसलमान मुसलमान से भी लड़ते थे। तो ये जंग कभी धर्म के आधार पर नहीं लड़ी गई। कोई जाके समझाओ हमारे योगी जी को, कोई जाके समझाओ हमारे प्रधानमंत्री जी को, कोई पढ़ाओ उन्हें इतिहास। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा इतिहास, आप ना घबराएं। मगर सही चीज पढ़े, लोगों तक सही बात पहुंचाएं आप, लोगों को बांटने का काम ना करें आप। क्या सिर्फ मुसलमान राजा इस तरफ आए? क्या हिंदू राजा यहां से अफगानिस्तान की तरफ, तजिकिस्तान की तरफ नहीं गए? अशोका अफगानिस्तान जाकर कॉन्कर किया, चंद्रगुप्त मौर्य जाकर तजिकिस्तान कॉन्कर किए, तो वहां से भी राजा यहां पर आए, यहां से भी राजा वहां गए। तो ये उस वक्त का दस्तूर था कि राजा जाकर प्रजा लूटा करते थे, प्रजा को हत्याने की कोशिश करते थे। ये धर्म के आधार पे नहीं कि सत्ता को हत्याने के लिए, प्रजा को हत्याने के लिए लड़ाई थी, प्रजा के लिए और सत्ता के लिए लड़ाई थी। ये लड़ाई धर्म के आधार पर नहीं थी, इस बात को समझ लें। और अगर आपको इतना ही तकलीफ है ताजमहल से, तो आज आप लाल किले पे अपने प्रधानमंत्री को क्यों झंडा फहराने देते हैं? क्योंकि लाल किले को भी तो मुसलमानों ने और मुगलों ने बनाया था। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है ताजमहल से, तो आज आप पार्लियामेंट में क्यों बैठते हैं? पार्लियामेंट को ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेज हमारे देश को लूट कर चले गए। क्यों आज आप राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं? राष्ट्रपति भवन को अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों आप रेलगाड़ी इस्तेमाल करते हैं? रेलगाड़ी अंग्रेजों ने लाया था, वो भी देश को लूट कर चले गए। क्या परेशानी है आपको? आपके बाप दादाओं ने क्या दिया इस देश को? कुछ दिया है देश को? कुछ नहीं दिया है। तो शांत होकर बैठ जाएं। इतिहास की ज्ञान ना हो तो लोगों में नफरत फैलाने की काम ना करें, लोगों तक झूठ ना फैलाएं। इस देश में जितनी जंगें लड़ी गई है वो जंग धर्म के आधार पर नहीं लड़ी गई है, वो जंग सत्ता और प्रजा के लिए लड़ी गई है। और जो अखंड भारत की बात करते हैं ना कि देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है, ये मैं आपको बता दूं, जो अभी आप हिंदुस्तान और भारत और इंडिया के फॉर्म में देख रहे हैं, कभी देश ऐसा नहीं था। पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब एक थे ब्रिटिश के टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने पहली बार इन सबको
कब्जा करके कहा कि दिस इज 1833 में दिस इज द इंडियन प्रोविंस। इससे पहले इंडिया बोलकर कुछ नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, सब मिलकर रहते थे, आपस में जंग भी लड़ते थे और मिल बांट कर रहते थे। इंडिया बोलकर, भारत बोलकर कुछ नहीं था, ये बाद में कॉन्सेप्ट आया इंडिया का। तो अखंड भारत बोलकर लोगों को आप डिवाइड करने की कोशिश ना करें, ये देश था। हमारे योगी जी कहते हैं कि ताजमहल इस देश की संस्कृति नहीं, तो भैया क्या है इस देश की संस्कृति? क्या सिर्फ हिंदू संस्कृति इस देश की संस्कृति है? बिल्कुल नहीं, ये एक अजूबा देश है, ये एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां हजार संस्कृतियों को मिलाकर इस देश का संस्कृति बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला और आप संगीत सोम जी जैसे ढोंगियों की बात में नहीं आएंगे और समझेंगे कि हमारी इतिहास बहुत ही सेक्युलर रही है और धर्म के आधार पर जंग नहीं लड़ी गई है, जंग सत्ता और प्रजा के लिए लड़ी गई है और अब भी हम सेक्युलर हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप बहुत कुछ सीखे हैं और आगे भी हम सेक्युलर रहेंगे इसी प्यार मोहब्बत के साथ और एकता के साथ हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस देश को एकता की जरूरत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर इस देश को आगे ले जाएंगे। इतिहास को मिटाने का काम और इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस करती रहेगी, हमारा काम है इन्हें इग्नोर करना और लोगों तक सच पहुंचाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ढोंगियों से बचकर रहें। धन्यवाद।